दोस्तों जैसे हार्ट अटैक आता है ना, ऐसे ही ब्रेन अटैक भी आता है, उसको स्ट्रोक बोलते हैं। उसमें क्या होता है, दिमाग को जो जाने वाली नस है वो या तो एकदम बंद हो जाती है या फूट जाती है। उससे दिमाग में खून निकल जाता है और आगे के जो दिमाग है उसको न तो ऑक्सीजन मिलती है न खाना मिलता है, तो उसका काम प्रभावित होता है। कैसे मालूम चलता है कि इसके स्ट्रोक है दोस्तों? उसके अचानक से बहुत भयंकर सिर दर्द होगा, बेहोश हो जाएगा, तांड आ सकते हैं, कमेड़े आ सकते हैं, या उसका जो मुंह है वो टेढ़ा हो जाता है, खाना खाता है तो साइड में से गिर जाता है, दोनों आंखें बंद नहीं कर पाता, दांत नहीं दिखा पाता, तो ये स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। इसको फेशियल पाल्सी बोलते हैं, कहते हैं ना फेशियल करा के आ रहा हूँ। फेशियल का मतलब चेहरा होता है, उसको दिमाग से 7वें नंबर की जो नस आती है वो सप्लाई करती है, तो वो उस एक साइड की प्रभावित होने से चेहरा टेढ़ा हो जाता है, इसको फेशियल पाल्सी बोलते हैं ना। दूसरा दोस्तों, उसके हाथ पांव में कमजोरी आ जाती है, चलने में, देखने में, सुनने में, बोलने में फर्क आ जाता है। उसकी जो आवाज़ है ना वो उसमें स्लरिंग हो जाती है। स्लरिंग का मतलब ये समझो कि पुराने वाली जो टेप में जब वो कैसेट अटक जाती थी ना, तो आवाज़ कैसे एकदम धीरे धीरे निकलती थी। मेरा नाम शिवराज है, तो बोलेगा मेरा नाम शिवराज, ऐसे धीरे धीरे बोलेगा, तो इसको स्लरिंग ऑफ स्पीच होती है। तो ये लक्षण किसके हैं? स्ट्रोक के हो सकते हैं। तो स्ट्रोक में क्या क्या हो गया दोस्तों? एक तो भयंकर सिर दर्द, बेहोशी आना, तान आना, चेहरा टेढ़ा होना, हाथ पांव में कमजोरी होना, देखने में, सुनने में, बोलने में, इनमें उसके फर्क आ जाता है। दोस्तों स्ट्रोक में किन में ज़्यादा होता है? स्ट्रोक जो लोग बूढ़े होते हैं, 65 साल से बड़े होते हैं, पुरुष में स्त्री की तुलना में ज़्यादा होता है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी के परिवार में स्ट्रोक का बाप दादाओं के हुआ हुआ है, तो उसके भी होने के थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं। या कोई आदमी का बीपी शुगर है वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, या किसी के कोई स्मोकिंग करने वालों में, एल्कोहल लेने वालों में, उनमें स्ट्रोक बहुत होता है। दोस्तों 3 इडियट पिक्चर में जो राजू राजू रस्तोगी का फादर है ना, पोस्टमैन, वो स्ट्रोक के ही पेशेंट है, तो उनको अपन देख के समझ सकते हैं कि स्ट्रोक क्या चीज़ है। और ये बहुत ही कॉमन समस्या है दोस्तों, अपने धरती पे लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। मतलब अपने परिवार में, समाज में आप कहीं भी देखोगे, जो लास्ट मोमेंट में बहुत सारे बूढ़े जो जाते हैं ना, उनको स्ट्रोक हो जाता है। तो इसको स्ट्रोक या ब्रेन अटैक बोलते हैं, और इसमें भी समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय पे अपने को चिकित्सक की सलाह लेने से, CT MRI कराने से मालूम चल जाता है कि नस फटी है या रुकी है, फिर अपन उसको जो स्ट्रोक का इलाज करा के पोस्ट स्ट्रोक या पोस्ट ब्रेन अटैक अपन उसको रिहेबिलिटेशन कराते हैं, या तो उसको फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये देने से उसमें सही